हजाब फातिमा अपनी चूड़ियाँ पहन रही है। हजाब इधर देखो क्या कर रही हो, ईद मुबारक बोलो सबको। हाँ जी, हजाब फातिमा की तरफ से सबको ईद मुबारक। बैठी चूड़ियाँ पहन रही है अपनी। अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम माई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप? आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। ईद के लम्हे स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं उन्हीं लम्हों के लिए ईद पर स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ। ईद व्लॉग देखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपके के लिए इंटरेस्टिंग होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। इसमें व्लॉग में बच्चे जो हैं अपने तैयारी कर रहे हैं ईद की, मेहंदी लगाएंगे अपने हाथों पे, और इसके अलावा मैं मज़े मज़े के पकवान जो ईद के लिए मैंने तैयार करने हैं उनकी रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन अलबत्ता ये है कि कभी कुछ ना कुछ आपको उनका बताऊँगी, दिखाऊँगी कि हम ईद पर क्या क्या तैयार कर रहे हैं। बुशरा आप सबको ईद मुबारक कह रही है। हाँ जी, हाँ जी नाज़रीन, ये मैंने कोकोनट जो है पहले भिगो के रख दिए, ये ना काटना आसान हो जाता है। तो शीर कोरमा भी बनाना है और उसके बाद कस्टर्ड भी बनाना है जिसे लबे शीरी भी कहते हैं। तो ये देखें बिल्कुल इजीली ये ना काटा जा रहा है आसानी से। अभी थोड़ी देर पहले ही भिगोया था, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने अभी काट के। हाँ जी, थोड़ा सा पहले भिगो देना, तकरीबन आधा घंटा पहला, तो पहले तो फिर तो बहुत ही ईजी हो जाता है। बुशरा मेहंदी लगवा रही है, सारी बच्चियाँ अब एक दूसरे के मेहंदी लगाएंगी। तो ज़ाहिर है सुबह कपड़े पहनने हैं तो सुबह जो है लगानी मुनासिब नहीं है, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इसलिए अभी बैठी हुई हैं। बुशरा तो अभी कह रही है नेल पॉलिश भी लगा दो। मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा बेटा अभी नहीं लगानी, सुबह जब आप तैयार हो गए फिर आपके मैं लगा दूँगी। जी कस्टर्ड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, बच्चे अपने अपने मेहंदी लगा रहे हैं। तो ये मैंने कस्टर्ड लिया स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, यही फ्लेवर जो है मेरे बच्चे पसंद करते हैं। और 2 किलो दूध रखा है मैंने, नीचे ही रखा है मैंने ना किचन में, 2 किलो दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। 2 किलो दूध के अंदर बनाऊँगी, खुला पतीला ले लिया। और ये मेरा 2 किलो दूध बाकी बचा हुआ है सवे शीर कोरमा बनाने के लिए। बच्ची को कस्टर्ड मिक्स करने पे लगाया है, बेटा ध्यान से मिक्स करो ठीक है। दूध को अच्छे तरीके से उबाल लेने, हमारा दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। इस अब मैं इसमें चीनी ऐड कर लूँगी। बच्चे बड़े विजिलेंट हैं, कस्टर्ड बने और हम लोग ना वो चस्का लगा के फिर ही सोए। चीनी ऐड कर ली हुई है, अभी तक हमारी बुशरा भी जाग रही है। अपना हाथ तो दिखा नाज़रीन। अब शीर कोरमा की तैयारी शुरू हो गई है। शीर कोरमा के लिए मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। खीरी या कस्टर्ड बन के देखें कितना अच्छा तैयार हो चुका है। मैंने गार्निश करके फाइनल पिक आपको दिखाई है। अल्लाह पाक आपके और मेरे खानों में बरकत डाले और हमें ऐसी कई ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। बच्चियों को मेहंदी लगाने का सिलसिला भी चल रहा है। मैंने कस्टर्ड भी बना लिया, शीर कोरमा की भी तैयारी कर ली। बच्चे छोटी बच्चियों को लगा के अब आप ही अपने हाथों पे लगा रही है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट कर रही है। नाज़रीन सुबह हो चुकी है, ईद मुबारक। तो अब हम बेडशीट चेंज करेंगे और जो है चारपाइयों की चादरें जो है वो चेंज करेंगे, कमरे को एक न्यू लुक देंगे ताकि ईद का मंजर नज़र आए। बेडशीट चेंज कर ली, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। सरहानों के कवर चेंज कर रहे हैं, चेंज करके सारा। हजाब फातिमा अपनी चूड़ियाँ पहन रही है, हजाब इधर देखो क्या कर रही हो, ईद मुबारक बोलो सबको। हाँ जी, हजाब फातिमा की तरफ से सबको ईद मुबारक। बैठी चूड़ियाँ पहन रही है अपनी, ड्रेस पहने हैं, चूड़ियाँ बुशरा ने पहन ली है, ईदी अपनी वसूल कर ली है और बाकी तैयारी अपनी मुकम्मल कर रही हैं। बुशरा ईद मुबारक बोलो। हाँ जी अस्मा इधर देखो, ये मेरे बाबा ने मुझे दी थी और 10 रुपए मुझे और मिले, क्योंकि मेरे बाबा को कहा था कि बाबा जो मुझे 50 रुपए चाहिए, तो बाबा ने कहा चलो ठीक है, बाबा ने मुझे 50 रुपए दे दिए। बाकी मैंने 10 की दो जैकेट ले ली और फिर मेरे पास इतने बच गए। मैंने सोचा कि अब ना लूँ, जब बाकी ले लेंगे तब ले लूँगी 10।
तैयारी कर लो, फिर मैं आप लोगों को कस्टर्ड देती हूँ। खीर कोरमा मतलब सेवैयाँ खानी है कि कस्टर्ड खाना है आपने? पहले सेवैयाँ खा लो पहले। अच्छा अब आपने क्या खाना है? सेवैयाँ खा लो। चले जी, ईद का आगाज कस्टर्ड से होगा। तैयारी कर लो फिर मैं आपको देती हूँ। मैंने नेल पॉलिश लगवानी शुरू कर दी। सही, हाँ दोनों हाथों पे लग गई। कलर बिल्कुल लाइट बेबी पिंक इन्होंने लिया है। ठीक है। हाँ जी बच्चों की ईद का आगाज हो गया कस्टर्ड खाने के साथ। बिशरत खा रही, खा लो बेटा, नज़र आ रहा है। माशाल्लाह और मिल जाएगा बेटा आपको। अच्छा फातिमा, ईद का आगाज हो गया, भूख मिटी तो अब रंग आप रोगन करने लगे हुए अपने मुंह को, मेकअप कर रहे हैं। बेबी क्रीम लगा ली? हाँ मेकअप के ऊपर से बेटा क्रीम लगा लेना। अच्छा हम वायरल हैक कर देंगे, हम ये वाला हैक वायरल कर देंगे कि बेबी ऐसे भी मेकअप करती है। इधर दिखाओ तो। ओए प्यारा बेबी। पैसे लेने की दुआ कर ली थी। देखो वो कौन सा आपने रखने हैं, वो भी खा जाने। अभी अभी बाहर तो निकलो। गोले नहीं खानी है। अच्छा हजाब आप इसे मेकअप करवा रही है, सारा मुंह लाल लाल कर देगी। हाँ जी आप क्या करके आई हो? मैं क्रीम लगा के आई। अच्छा जी आपने भी रंग लगाना है मुंह पे? हाँ जी। अच्छा आप वेट करो, हजाब आप ही तो सारा मुंह ही रंग देगी। आप थोड़ा सा मेकअप क्यों लगवाने आए हो? असमा ऊपर देखो सारा मुंह के ऊपर ब्रश घुमाएगी, लाल लाल कलर लगा के ना सारे मुंह को पेंट कर दो। हमारे आज ईद है ना। अच्छा मैडम नेल पेंट लगा रही हैं।
ईद की खुशियाँ तो होती ही बच्चों के साथ हैं, बच्चे खुश तो ईद अच्छी। नाल गो नेल पेंट मुझे दे दो, बड़े भी लगाते हैं नेल पेंट, क्यों मैं बूढ़ी हो गई हूँ? मैं उतार दूंगी तब तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। सारा दिन यही काम करना, बुलबुले तो पढ़ो अपने। फोड़ो दूध वाली सेवइयां बनने के लिए, बन के तकरीबन तैयार होने वाली। मैंने सेवइयों को भून लिया था, भून के अंदर दो गिलास, आधा किलो सेवइयां, दो गिलास पानी डाले और ऑयल डाल के उसको अच्छे तरीके से पका के फिर भुनी हुई सेवइयों के अंदर डाला। अब ये क्योंकि अगर इस तरह साथ दूध भी डाल देना, दूध मैंने पहले उबाल के रखा हुआ है तो दूध फट जाता है। अच्छा आप मेवा भी चक लिया जड़ा पाना, दूध मैं एंड पे ऐड करती होती हूँ जब सेवइयाँ गल जाती हैं, क्योंकि मैं साथ ऑयल भी ऐड कर, ऑयल में भुनी है चूँकि, तो इसलिए फिर दूध के फटने का खर्चा होता है, तो मैं दूध बाद में ऐड करती होती हूँ।